नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इफेक्टिव स्टडी यूट्यूब चैनल पर। और मैं धर्मेंद्र गौड़ आज आपके लिए टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के जो है वो शॉर्ट ट्रिक लेकर आया हूँ। कुछ इस प्रकार के सवाल हैं जो चोर सिपाही के जो सवाल होते हैं एग्जाम में, इस प्रकार के क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट बनते हैं, आते हैं एग्जाम में। तो आज इन सवालों की हम शॉर्ट ट्रिक देखेंगे। और इन सवालों को करने से पहले आप एक बार सवाल को समझ लीजिए, फिर मैं आपको एक कंसेप्ट बताऊंगा और उसके बाद हम वापस सवालों पर आकर उनको 1 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, यकीन मानिए, अगर आप इसको अच्छे से समझेंगे, पूरा वीडियो देखेंगे, तो आगे से आप चोर सिपाही के या कुत्ते बिल्ली वाले जो सवाल होते हैं जिनमें टाइम जो है वो इक्वल होता है, तो ऐसे सवालों को आप मौखिक भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, यहां पर एक सिपाही किसी चोर को 500 मीटर की दूरी पर देखता है और उसका पीछा करता है। यदि चोर 15 किलोमीटर की चाल से भागे तथा सिपाही 20 किलोमीटर की चाल से उसका पीछा करे तो सिपाही कितनी दूरी पर उसे पकड़ लेगा? देखिए, सवाल आपको एक बार समझ लीजिए। मान लीजिए यहां पर है सिपाही खड़ा है, यहां पर पुलिस खड़ी है और यहां पर जो है वो चोर खड़ा है, थीप है, ठीक है ना। अब जैसे ही चोर भागना स्टार्ट करता है, पुलिस उसको पकड़ना प्रारंभ करती है। और सपोज कीजिए चोर यहां से यहां तक आ पाया है इस स्थान तक, तब तक पुलिस ने उसको आकर दबोच लिया, यहां पर आके उसको पकड़ लिया। तो देखिए, दोनों के द्वारा जो चली गई डिस्टेंस है वो अलग अलग होगी। इसने मान लीजिए डिस्टेंस वाई पुलिस हो गया ये, और ये डिस्टेंस वाई थीप हो गया। ये दोनों दोनों अलग हैं, ठीक है ना। दोनों की स्पीड भी अलग है, सवाल में भी दिया गया है स्पीड जो है वो चोर की और पुलिस की दोनों ही अलग है स्पीड। जाहिर सी बात है पुलिस की स्पीड अधिक होगी तभी वो उसको पकड़ पाएगी। तो स्पीड और डिस्टेंस दोनों अलग हैं, लेकिन टाइम दोनों का सेम है क्योंकि दोनों ने एक ही समय पर चलना प्रारंभ किया था। और जैसे ही वो एक स्थान पर पकड़े जाते हैं जहां पर वो मिलेंगे, तो वहां तक के लिए समय दोनों के लिए बराबर होगा। तो जब टाइम इक्वल हो, तो इस प्रकार के सवालों को हम कैसे करेंगे, देखिए मैं इसका आपको कंसेप्ट यहां पर समझा दूं पहले। तो हमने क्या कहा था कि ये मान लीजिए पुलिस गई और यहां से चोर भागा, दोनों इस स्थान पर मिले, तो डिस्टेंस वाई थीप हो गया, ये डिस्टेंस वाई पुलिस हो गया। स्पीड भी दोनों की यहां स्पीड वाई पुलिस और स्पीड वाई थी, ये दोनों की जो है डिस्टेंस और स्पीड है, लेकिन टाइम दोनों के लिए टी इक्वल होगा। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, देखिए हम जानते हैं जो होता है टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। यहां से डिस्टेंस क्या बनेगा, टाइम इंटू स्पीड बनेगा। ओके, अगर हम डिस्टेंस वाई पुलिस की बात करें तो टाइम इंटू स्पीड वाई पुलिस, और डिस्टेंस वाई हम थीप की बात करें तो टाइम इंटू स्पीड वाई थी, ये दो चीजें होंगी। अब समझिए जरा इसको, अगर मैं इसको यहां से डिवाइड करूं, ठीक है ना, तो टी जो है वो इक्वल है, कट जाएगा, बराबर है दोनों के लिए समय। तो यहां से क्या मिलेगा आपको, डी वन अपॉन डी टू इज इक्वल टू एस वन अपॉन एस टू, ठीक है ना। यहां पर पुलिस और थीप की बात हो रही है तो पी और टी आ जाएगा, वरना आप फॉर्मूले को याद कर सकते हैं, डी वन अपॉन डी टू इजकल टू एस वन अपॉन एस टू। इसको जो है वो ये आपको शॉर्ट ट्रिक आपको याद रखनी है। और जहां पर भी टाइम जो है वो बराबर होगा टाइम स्पीड डिस्टेंस के चैप्टर में, वहां पर इनको आप बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से, मैं तो कहूंगा मौखिक आप कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे, अब हम वापस सवाल पर आते हैं। तो देखिए ये सवाल है, हम यहां पर लिख लेते हैं डी वन अपॉन डी टू, चूंकि पुलिस और थीप की बात हो रही है तो मैं कंफ्यूजन ना हो इसलिए पी और टी लगा देता हूं, इजकल टू स्पीड बाई पुलिस अपॉन स्पीड बाई थीप, ठीक है ना। तो ये डायरेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गए यहां पर, ये दोनों दोनों का जो रेशो है वो बराबर है। अब स्पीड आपको दोनों की दी है, डिस्टेंस आपसे पूछी गई है, आपको सवाल डिस्टेंस देकर स्पीड भी पूछी जा सकती है। तो फिलहाल हम स्पीड के हिसाब से करेंगे, स्पीड बाई पुलिस कितनी है, यहां पर सिपाही 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है और चोर जो है वो 15 की चाल से चलता है। यहां पर इस तरीके से देखिए एक फायदा हो रहा है, आपको कभी भी यूनिट कन्वर्जन की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आप इस प्रकार के सवाल को रिलेटिव स्पीड से करते हैं, यानी कि 20 में से 15 गया, 5 आप रिलेटिव स्पीड निकाल कर फिर आप टाइम निकालते हैं, फिर टाइम का यूज करके आप डिस्टेंस निकालते हैं, तो उस प्रोसीजर में आपको यूनिट भी चेंज करनी पड़ती है और दो फॉर्मूले आपको दो बार लगाना पड़ता है वो फॉर्मूला, तो आपको वहां पर समय अधिक लगता है। अब यहां क्या होगा, देखिए यहां 15 और 20 की अगर हम बात करें तो ये क्या है, स्पीड के रेशो है,
लेकिन चूंकि डिस्टेंस का रेशो भी इक्वल है तो डिस्टेंस का रेशो क्या हो गया, 20/15। अगर हम इनके अंतर की बात करें, डिस्टेंस बाई पुलिस 20 हो गई, डिस्टेंस बाई थी 15 हो गया, तो डिस्टेंस बाई पुलिस कितनी ज्यादा है, 5 अधिक है, दोनों का अंतर कितना हो गया 5। जबकि सिपाही और चोर के बीच की दूरी कितनी है, यहां सवाल में 500 मीटर दी है और यहां पर जो है वो 5 आ रहा है, तो 5 को आप 500 बनाएंगे आप 2 जीरो बढ़ाकर, समझ ना जरा, 5 को आप 500 बनाया आपने 2 जीरो बढ़ाकर, दोनों के बीच की दूरी हमने 5 से 500 कर दी, कैसे की 2 जीरो बढ़ाकर, तो इधर भी आप 2 जीरो बढ़ा दीजिए 2000 हो गया, और 15 में भी आप 2 जीरो बढ़ा दीजिए कितना हो गया 1500 हो गया, यानी कि डिस्टेंस बाई पुलिस हो गया 2000 मीटर, डिस्टेंस बाई थीप हो गया 1500 मीटर, दोनों में 500 मीटर का डिफरेंस आ गया कि नहीं। तो आपसे पूछा गया सवाल में, सिपाही जो है उसका पीछा करे तो सिपाही कितनी दूरी पर उसे पकड़ लेगा, मतलब ये है सवाल में, सिपाही द्वारा चली गई दूरी आपसे पूछी है, तो वो कितना हो गया, पुलिस द्वारा चली गई दूरी 2000 मीटर, या हम कहें तो 2 किलोमीटर, ठीक है ना। तो यहां से डिस्टेंस निकल आई। अगर आपसे टाइम पूछा जाता है कि चोर को पकड़ने में समय कितना लगता है, तो समय दोनों के लिए इक्वल है, चाहे चोर हो चाहे पुलिस हो, दोनों बराबर समय दौड़े, तो समय हम निकाल सकते हैं, टाइम इज इक्वल टू क्या निकालेंगे, समय बराबर दूरी बटा चाल होता है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है ना। डिस्टेंस अब देखिए, आप कोई भी एक कंडीशन लीजिए, अगर आप पुलिस का ले रहे हो तो पुलिस का लो, वरना थीप का लो, तो पुलिस की अगर हमने डिस्टेंस ली 2 किलोमीटर पुलिस चली है, और स्पीड क्या रही है पुलिस की, 20 किलोमीटर प्रति घंटे बटा 20, दोनों ही यूनिट सेम है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, तो यहां से आप इसको काटोगे तो 0.1 आवर समय है, और 0.1 आवर का मतलब हो गया 6 मिनट, तो चोर को पकड़ने में 6 मिनट का समय लगता है। तो समय पूछा जाता है तो आप रिलेटिव स्पीड से भी निकाल सकती हैं, तो वहां आपका समय और जल्दी निकलेगा, लेकिन अगर आपसे दूरी पूछी जाती है, जनरली अधिकांशतः 90% केसों में दूरी पूछी जाती है, तो फिर आप इस ट्रिक का इस्तेमाल कीजिए, और यकीन मानिए मैं मौखिक कर सकता हूं सवाल को, आप भी कर सकते हैं। देखिए 20/15, 5 का अंतर और यहां 500 का, तो कैसे हुआ, 2 जीरो बढ़ाकर हो जाएगा 5 को 500, तो 2 जीरो इधर बढ़ा दीजिए 2000 और 1500, 2000 मीटर यानी कि 2 किलोमीटर, ठीक है ना, मीटर में हमने लिया क्योंकि यहाँ डिफरेंस मीटर में है, तो ये चीजें जो है वो आपको ध्यान में रखनी है। अब देखिए हम अगला सवाल देखते हैं, ये जो सवाल है वो आप आसानी से कर सकते हैं, और इस सवाल को करने से पहले मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज प्लीज वीडियो को आप लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें, ठीक है ना, और जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन क्लिक करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का अलर्ट मिले। तो देखिए अब सिपाही ने चोर को 700 मीटर की दूरी पर देखा, पीछा किया, यदि सिपाही 3.2 किलोमीटर 34 मिनट में और चोर 3.2 किलोमीटर 41 मिनट में चले, तो सिपाही द्वारा चली गई दूरी ज्ञात कीजिए तब चोर पकड़ा जाता है उस समय। तो देखिए सवाल सेम वही है, बस थोड़ा सा घुमा दिया गया है, आपको रखना है वहां पर D1/D2, ठीक है ना, या डिस्टेंस बाई पुलिस और थीप कर सकती हैं, SP/ST हो जाएगा। तो देखिए अब स्पीड कैसे निकालती हैं, स्पीड क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय, ठीक है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो यहां से आप स्पीड निकाल सकते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम लगा दीजिए, डिस्टेंस आपको दी है सिपाही यानी कि पुलिस की दी है 3.2 किलोमीटर 34 मिनट में, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम 3.2/34, ठीक है ना, यूनिट का आप ध्यान मत दीजिए अभी, किलोमीटर और मिनट दिया है। या स्पीड वाई थीप की अगर हम बात करें तो स्पीड कैसे निकलेगी, थीप की वही दूरी बटा समय से, तो थीप भी 2 3.2 किलोमीटर चला है 41 मिनट में, ठीक है ना, चोर को ज्यादा समय लगता है सेम दूरी चलने में क्योंकि उसकी चाल कम होगी। अब देखिए चूंकि दूरी तो सेम है 3.2 3.2, तो ये कट जाएगा और ये जो है वो पलटकर हो जाएगा 41/34, ठीक है ना, तो स्पीड का रेशो था, अब वो डिस्टेंस का भी आप उसको बोल सकते हैं, तो डिस्टेंस बाई पुलिस अपॉन डिस्टेंस बाई थीप इज इक्वल टू 41/34, डिफरेंस कितने का, 7 का, ठीक है ना, और यहां डिफरेंस कितने का दिया है दोनों में, 700 का, तो 7 को 700 बनाने के लिए 2 जीरो बढ़ाओगे फिर से वही, तो यहां भी 2 जीरो बढ़ा दो तभी इक्वल होगा, तभी तो 700 का डिफरेंस आएगा, तो क्या हुआ, पुलिस द्वारा चली गई दूरी कितनी होगी 4100, और वही पूछा है सिपाही यानी कि पुलिस द्वारा चली गई दूरी ज्ञात करें,
यानी कि 4100 मीटर, और ठीक है ना, आप इसको किलोमीटर में चेंज कर सकती हैं, तो कितना हो जाएगा, 4.1 किलोमीटर। ये हो गया सिपाही द्वारा चली गई दूरी। अगर आपसे समय पूछा जाता है तो समय भी आप दूरी बटा चाल से, यानी कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड से आप निकाल सकते हैं। तो उम्मीद है आज की वीडियो में दी गई ट्रिक, समझाई गई ट्रिक आपको पसंद आई होगी। एसएससी में आए हुए सवाल हैं ये, इसीलिए मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। कुछ भी नहीं लगेगा इनमें, थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस देखिए, इस वीडियो को आप 2 बार 3 बार देखिए, आपको आसानी से मौखिक हो जाएंगे। तो इसी प्रकार हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू। हाँ, एक न्यूज़ और आपको बता दें कि हम जल्द ही लाइव क्लासेस का सेशन लेके आएंगे, लेकिन वो हम लेकर आएंगे हमारे एक नए चैनल पर, तो उसका भी मैं आपको जल्द ही अनाउंस करूंगा। तो इसी प्रकार नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।